साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से लंदन में अफगान सलामती अमूर के मुशीर और वजीर मुमलिकत की मुलाकात। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात नवाज शरीफ का नजरिया है, सबसे बातचीत करना और नुक्ता नजर सुनना चाहिए। इस हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए आलमी महाज पर नाकाम है। नवाज शरीफ के लंदन में मुलाकात पर हुकूमती सफों में हलचल। वजीर तलाब फवाद चौधरी के साबिक वजीर आजम और नून लीग से सवालात। कहा नवाज शरीफ ने मुलाकात का एजेंडा किसके साथ शेयर किया, क्या मुलाकात से पहले हुकूमत को आगाह किया, क्या पार्टी से इजाजत ली। नून लीग के सीनियर लीडरशिप बताए कि नवाज शरीफ ने मुलाकात से मुतालिक उन्हें आगाह किया। मुलाकात का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट सामने लाया जाए, नून लीग को वजाहत देना होगी। पाकिस्तान का भारतीय जासूसी पर कानूनी कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर कहते हैं भारत की इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस से जासूसी हमारी सालमियत पर हमला है। भारत ने 2019 में इमरान खान के फोन पर हमला किया, आला फौजी हुकाम को भी टारगेट किया गया। तहकीकात आलमी फोरम्स पर शेयर करेंगे। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मैदान कल सजेगा, 32 लाख से ज्यादा वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में मुकीम 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी भी वोट डालेंगे। इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल, पोलिंग का सामान इंतखाबी अमले के हवाले। सिक्योरिटी इदारों के दस्ते भी तमाम अजला में पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत पर आजाद कश्मीर में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहते हैं इमरान खान का आखिरी दिनों में कश्मीर जाना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया जाए। बिलावल भुट्टो कश्मीर में रेफरेंडम के वजीर आजम के बयान पर भी बरहम। कहा इमरान खान जब भी कश्मीर पर बोलते हैं गलती करते हैं। शेख रशीद का आजाद कश्मीर के इंतखाबात से पहले ही तहरीक इंसाफ की जीत का बड़ा दावा। कहते हैं कल शाम 7 बजे लाल हवेली में जीत का जश्न मनाऊंगा। नवाज शरीफ को वापसी पर फौज की सिक्योरिटी देने की पेशकश। बोले नवाज शरीफ से रॉ के एजेंट मिल रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं। मरियम नवाज की जबान उनकी सियासत तबाह कर देगी। बीजिंग में पाक चीन वफूद की सतह पर मुजाकरात। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी हमनसब वांग जी की शिरकत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं न्यू गवादर एयरपोर्ट, गवादर फ्री जोन, 300 मेगावाट पावर प्लांट समेत दीगर मंसूबों का जायजा लिया गया। सीपैक तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गया। कोरोना के हमलों में तेजी आने लगी। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 23.46% तक जा पहुंची। मुजफ्फराबाद में शरह 33.9%, पेशावर में 13.5%, रावलपिंडी में 11.8%। कोरोना मजीद 32 जाने ले गया। 1841 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब के 5 अजला में घर घर वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीनेशन मुहिम 26 जुलाई से शुरू की जाएगी। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला शामिल। सिंध में निजी और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। फैसला कोरोना टास्क फोर्स इजलास के बाद किया गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं स्कूल बंद करने का फैसला कोरोना टास्क फोर्स इजलास में हुआ था। 12वीं जमात के इम्तिहानात 2 शिफ्टों में होंगे। वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। 1 अगस्त से अंदरून मुल्क हवाई सफर के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। एनसीओसी के मुताबिक सर्टिफिकेट की पाबंदी 18 साल और ज्यादा उम्र वालों के लिए है। बैन अलाक्वामी परवाजों के मुसाफिर पाबंदी से मुस्तस्ना करार। और थर में मौसम की तब्दीली मोरों के लिए जिंदगी की नवीद बन गई। भीगे भीगे मौसम में मोर भी झूम उठे।